जय हिंद दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्पाइस आइसल T10 के अगले मुकाबले की, जो कि सैफ्रन स्ट्राइकर्स और क्लोव चैलेंजर्स के बीच खेला जाएगा। मैच में दोस्तों 1:32 रह गए हैं, 9:30 मैच का टाइमिंग है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और अपना लास्ट जो आपको मैंने टीम्स दी थी ना T10 की, दोस्तों ये पहले T10 का है। अब इसमें मैंने 552 रुपये लगाए थे दोस्तों, और ये देखिए मेरी टीम के पॉइंट देखिए आप, 430 और सामने वाले के 396, है ना, आराम से जीत गया दोस्तों मैं। इसलिए बोलता हूँ हमारी टीम फॉलो किया करिए आप, अगर आपको भी ऐसे विन करना है ना, तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे पड़ा है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर 46,100 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, है ना। बाकी दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्यों, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम तो आपको वहीं पर मिलती है ना, तो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको मेरी टीम्स मिलती है जिसके साथ मैं खेलता हूँ दोस्तों। ये देखिए ये सेम टीम आपको टेलीग्राम पे भी मिली थी, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कहाँ पे गया दोस्तों, देखिए ज़रा, ये देखिए इसी टीम के साथ दोस्तों मैं विन कर गया। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है, फाइनल टीम यहीं पर मिलने वाली है। अब इसके बाद अगर बात करें सैफ्रन स्ट्राइकर्स की साइड, तो देखिए ज़रा SS का कहाँ पे है, ये पड़ा दोस्तों, साथ में टीम भी बनेगी, है ना, तो 7 से 8 मिनट की वीडियो बनेगी दोस्तों, कोई भी छोड़ के मत जाना वीडियो पे ही आपको फाइनल टीम मिलेगी। अब यहाँ पे क्रिएट टीम पे चलेंगे, दोस्तों ये कल से जो नेट का इशू है ना वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, आज भर के लिए है। बाकी सबसे पहले तो फ़िल्टर लगाएंगे SS की साइड। अब देखें ज़रा, सो स्टीफन 0 पे गए थे लास्ट में, बेंजामिन ये तो विकेट कीपिंग करेंगे यार, प्लस ओपनिंग भी करेगा बंदा, और विलियम्स इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, और जॉन ये भी इम्पॉर्टेंट, टॉप के चारों इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि लेना किसी है, बेंजामिन का देखें जो कि विकेट कीपिंग करेंगे साथ में ओपनिंग करेंगे, लास्ट के 2 मैचेस बढ़िया गया, लास्ट वाला कुछ खास नहीं। देखिए ज़रा सामने वाली टीम के पास कौन सा विकेट कीपर है, हज़ार्ड तो इम्पॉर्टेंट है यार, मेरी टीम में आपको नज़र आ जाएंगे, बट बेंजामिन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, स्टीफन इनका ज़रा देखें, तो स्टीफन दोस्तों खास तो पॉइंट्स देखे नहीं जा रहे यार, कोई बात नहीं अभी वेटिंग पे रखेंगे। आर जॉन ये तो आपके लिए CVC के लिए भी बढ़िया चॉइस रहने वाली है, ये देखिए है ना, इन्हें रखे जाएंगे। विलियम्स का देखें, आर विलियम्स ओवरऑल तो ठीक ठाक ही है, GL में खासकर फोकस करना दोस्तों इनको, बहुत कम ही लोग ले अपना लिए होंगे, है ना। मैथ्यू एनिल देखिए ज़रा क्या कुछ करके आ रहा है बंदा, नहीं दोस्तों सो बैटिंग हमने लिया है बेंजामिन विलियम्स और जॉन, है ना, तीन ही लिए हमने, एक प्लेयर और भी था स्टीफन, अभी देखे जाएंगे दोस्तों, स्टीफन भी लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बॉलिंग सो बॉलिंग के अंदर दोस्तों सॉरी यहाँ से है ना, सो आर्जन हमारी टीम में है, विलियम्स हमारी टीम में है, एलेक्जेंडर का देखना है, चार्ल्स का देखना है और बडी का देखना है। देखे ज़रा के चार्ल्स कहाँ पे गए दोस्तों, जी हाँ के चार्ल्स, जनता ने तो काफ़ी लिया है इनको, एवरेज पॉइंट्स भी 30, बंदा लिया जा सकता है यार। सेंट पॉल लास्ट गेम में खेले नहीं थे क्या, अगर तो खेलते हैं तो पॉल मेरी टीम में नज़र आएंगे, क्योंकि बंदा भर भर के पॉइंट्स देके जाता है यार, ये देखो है ना, तो अगर तो खेलते हैं तो मेरी टीम में नज़र आएंगे, अदरवाइज नहीं दोस्तों। एलेक्जेंडर स्पेल पूरा करेंगे और इसीलिए मेरी टीम में आपको नज़र भी आएंगे, ठीक है। आप बोलते हो ना ज़्यादा सिलेक्शन वाले को आप लेते हो, ये देखो दोस्तों 12% लोगों ने लिया हुआ है, सॉरी 7% लोगों ने लिया हुआ है, 7.5%,
विन को मैं रख रहा हूँ। लुइस का अगर देखें ठीक ठाक है यार, इनका भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो अगर तो खेलते हैं ना। तो दोस्तों लुइस और अपना अलेक्जेंडर इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे, ठीक है, एसएस के साइड से, ये आप माइंड में रखना। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ध्यान से देखना आप लोग, विनिंग कैसे नहीं होगी। अब इनके साइड से दोस्तों डी नेड, एच जैक्सन, मैक्सवेन, एमी किल, इसके अलावा बैटिंग से कोई खास नहीं है। अपना विकेट गिविंग से हज़ार्ड, कितने प्लेयर हो गए दोस्तों, एक तो अपना हज़ार्ड हो गया ना, अब दूसरे जैक्सन, तीसरे नेड, चौथे मैक्सवेन, पांचवे एमी किल। बिना स्टैट्स देखे कैसे ले सकते हैं ना, स्टैट्स भी देखना ज़रूरी है, क्या कुछ करके आ रहे हैं लास्ट के गेम में। सीसी की बात करेंगे तो डैरेन नेड लास्ट गेम में इनको मैं कैप्टन भी बनाया था, हज़ार्ड, जैक्सन, ठीक है, टॉप के तीनों आ गए, मैक्सवेन जो कि बॉलिंग करा के देंगे आपको, है ना, टोटल पांच प्लेयर है ना जो मुझे बताने हैं। अब यहाँ पे देखो मैक्सवेन यहाँ भी आ गए, एच जैक्सन, एमी केल, डैरेन नेड, ठीक है, आपके सामने है दोस्तों सारा कुछ आपके सामने है। सो मैक्सवेन, एमी केल, जैक्सन, डैरेन नेड, बैटिंग से लिंडन, वैसे तो जीएल वाले ही प्लेयर है यार, कभी कभी तो इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे चला जाता है। अब दोस्तों हज़ार्ड हम कैसे लेंगे, एक तो बैटिंग से बोल रहा है ना लेने को, एटलीस्ट वन बैट्समैन रिक्वायर्ड, सो यहाँ से लिंडन आ चुके हैं हमारी टीम में, टीम आपके सामने है, सीवीसी, डैरेन नेड है, जैक्सन है, जॉन है, विलियम्स है, इसके अलावा दोस्तों एमी केल और मैक्सवेन, कितना ऑप्शन बताया दोस्तों मैंने, छः, ठीक है, ये छः के छहों को ना आप जीएल में ट्राई करना, ठीक है, सेफ में आप किसको रख सकते हो, जैक्सन, नेड, विलियम्स, दो और भी है ना यार, कुल मिला के तो वही बात हो गई। चलिए देखते हैं जनता किसके साथ जा रही है, डैरेन नेड के साथ जा रही है, तब तो फिर मुझे जैक्सन के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा मन तो मेरा जॉन के तरफ है, डैरेन नेड को जीएल में ज़रूर बनाना, ठीक है, देखे ज़रा, तो मन तो मेरा है आठ जॉन के साथ जाने का, तो उसी के साथ चलेंगे, है ना, डैरेन नेड थोड़े जीएल वाले प्लेयर हैं, हालांकि ले सकते हो ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अलावा आर विलियम्स है, पी मैक्समैन है, के चार्ल्स नहीं दोस्तों, एमी केल है ना, इनको आप ट्राई कर सकते हो, मेरे सीवीसी आपके सामने है, फाइनल स्मॉल लीग की टीम है ये, अगर तो प्लेइंग इलेवन सेम रहती है तो टीम में कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेम यही टीम आप लगा लेना। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है, विकेट कीपिंग में बेंजामिन है, है ना, उनकी जगह आप चाहो तो चेंज कर लेना, अपना हज़ार्ड को रख लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों जीएल की टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, है ना, टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जल्दी जुड़ जाना। बाकी दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब करना, क्योंकि फाइनल टीम आपको यूट्यूब वीडियो पे ही मिलती है। अब दोस्तों 8:30 मिनट की वीडियो बन गई, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आईएसएल टी20 वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।